हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने ब्रिजेस के बारे में बहुत सुना होगा कि माइनर ब्रिज होते हैं, मेजर ब्रिज होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं, आपका फुटओवर ब्रिजेस होते हैं, रेलवे के ब्रिजेस होते हैं। आप लोगों ने दोस्तों डबल डेकर ब्रिज के बारे में कभी सुना है? अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज पूरे सेशन में डबल डेकर ब्रिज के बारे में बात होने वाली है, उसको समझा जाएगा कि कहाँ पर यूज़ होता है, ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है, उसकी ड्राइंग रीडिंग की जाएगी और पूरा जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से वो कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, डबल डेकर ब्रिज कहाँ पर यूज होता है, मतलब कहाँ पर उसको लगाया जाता है? डबल डेकर ब्रिज का लगाने का मेन फंक्शन क्या होता है कि जहाँ पर आपका रूरल एरियाज होते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए और वहाँ पर मेट्रो की लाइन बिछाने के लिए इस डबल डेकर ब्रिज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, वहां से आपको फ्लाईओवर भी निकालना है और वहीं से आपको मेट्रो की लाइन भी निकालनी है, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, आप वो डबल डेकर ब्रिज का यूज करते हैं। दोस्तों, वो होता किस तरीके से है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये आपका दोस्तों मेट्रो का एक कॉरिडोर बना हुआ है और नीचे एक फ्लाईओवर है और आपका जो मेन रोड है वो इसके नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, एक ही पेयर पे एक फ्लाईओवर होता है और उसके ऊपर मेट्रो का एक फ्लाईओवर होता है जिसको मेट्रो कॉरिडोर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ही पेयर पे कास्ट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। अब आप सामने देख सकते हैं ये एक ही पेयर है। ठीक है दोस्तों, ये आप सामने देख सकते हैं ये एक ही पेयर के ऊपर फ्लाईओवर भी कनेक्ट होगा और ऊपर मेट्रो का कॉरिडोर भी कनेक्ट होगा। ठीक है, आप कर्सल के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभी फ्लाईओवर की जो गर्डर्स होते हैं वो अभी रखे जाएंगे और ऊपर जो यू शेप में जो उसके गर्डर होते हैं मेट्रो के, वो भी अभी रखे जाने। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में एक साइट की इमेज है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो साइट पूरी हो जाती है वो कैसे दिखती है। देखिए, ये है वृद्धा रोड डबल डेकर। अब आप सामने देख सकते हैं ये पूरा एक रोड लाइन बिछ चुकी है। ये दोस्तों फ्लाईओवर का पार्ट है, जहाँ पर कर्सल घूम रहा है ये फ्लाईओवर का पार्ट है और इसके ऊपर मेट्रो का एक कॉरिडोर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप कर्सल के द्वारा देख सकते हैं ये पूरा रोड जो है पूरा फ्लाईओवर है और इसके नीचे जो मेन रोड है, सिटीज के रोड होते हैं, मेन रोड इसके नीचे है, ये फ्लाईओवर है और इसके ऊपर मेट्रो का ब्रिज है। अब यहाँ पे सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं ये नीचे आपका मेन रोड है, ऊपर अभी फ्लाईओवर बनने वाला है और ऊपर ये मेट्रो का कॉरिडोर है। ठीक है, अब ये सामने आप देख सकते हैं ये पूरा बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पर मेट्रो की लाइनें भी चल चुकी है। देखिए, ये पूरा स्टेशन बना हुआ है जो मेट्रो का स्टेशन होता है, कि यहाँ से मूवमेंट हो रहा है और ये फ्लाईओवर पर जो भी आपका ट्रैफिक मूवमेंट होगा वो यहाँ से मूवमेंट हो जाएगा और जो मेन सिटी का रास्ता है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब आप यहाँ सामने देख भी सकते हैं कि जो मेट्रो की पेयर्स हैं, एक ही पेयर से दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं, क्या मेट्रो का कॉरिडोर भी और फ्लाईओवर भी दोनों कनेक्ट रहते हैं, किससे, सिर्फ एक पेयर से, एक पेयर के दोनों तरफ से ये मेट्रो के फ्लाईओवर कनेक्ट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन एक डबल डेकर ब्रिज की साइड है, इसमें अभी फ्लाईओवर अटैच नहीं हुआ है, मतलब फ्लाईओवर की जो गर्डर वगैरह जो होती है वो अभी अटैच नहीं है, बट जो ऊपर का सेक्शन है मेट्रो का वो अभी बन के तैयार है। ठीक है दोस्तों, अब हम आप लोगों को ड्राइंग दिखा देते हैं कि इसकी ड्राइंग किस तरीके से होती है, इसका क्रॉस सेक्शन किस तरीके से देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो इसकी पाइल होती है, वो पाइल कितने कितने तक की हो सकती है, कितनी कितनी डेप्थ तक हो सकती है। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, देखिए पियर, हम पियर बोलते हैं किसको, जो हमें सामने से दिखता है मेट्रो के नीचे जितना भी हमारा कॉलम वगैरह खड़े होते हैं उसको पियर बोलते हैं। देखिए, P88 और P92, P88 पाइल की जो लेंथ है वो 32 मीटर 75 mm की है। ठीक है, और P92 जो पियर बनेगा उसकी जो पाइल की लेंथ है वो 30 मीटर 75 मीटर की। ठीक है, तो ये है पाइल की डिटेल कि कितने कितने मीटर पे इसकी पाइल फाउंडेशन लगेगी। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं इसका एक क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन कैसे होता है इसका, क्योंकि बहुत से इंजीनियर्स को क्रॉस सेक्शन नहीं देखा होगा इसका, तो मैं आज उसको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक डबल डेकर ब्रिज का ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। अब सामने नीचे देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है, ये जो दो चीजें हैं ये क्या है, ये आपकी पाइल है।
ठीक है, फिर इसके ऊपर ये फाइल कैप है, फिर यहां से आपका पियर शुरू हो जाएगा, ठीक है, पियर के ऊपर ये आपका फ्लाईओवर बना हुआ है, ठीक है, और आप सामने यहां देख भी सकते हैं ये फ्लाईओवर, देखिए फ्लाईओवर रोड लेवल लिखा हुआ है, फ्लाईओवर रोड लेवल लिखा हुआ है, फ्लाईओवर फ्लाईओवर पियर कैप टॉप लेवल, ये आपका टॉप लेवल है, ठीक है, देखिए क्रैश बैरियर भी दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है 2.5 mm का, 2.5 का आपका स्लोप दिया हुआ है, ये आप सामने इमेज में भी देख सकते हैं, गर्डर रखे हुए हैं, ये बियरिंग प्लेट लगी हुई है, ठीक है, ये तो हो गया एक फ्लाईओवर का। अब इसके ऊपर भी कास्टिंग हो रखी है, ये एक और पियर है, ठीक है, मतलब ये पूरा कनेक्टिंग एक पियर है, इसके ऊपर मेट्रो का कॉरिडोर बिछा रखा है, C4 पियर, ठीक है, देखिए रोड आप सामने देख सकते हैं, देखिए मेट्रो पियर कैप लेवल टॉप लेवल, ये आपका मेट्रो का जो पियर का कैप है ये वो है, ठीक, पर ये रोड लेवल है। आपने देखा ही होगा कि जो भी मेट्रो होती है उनका जो रेल सिस्टम होता है वो इधर से ही कनेक्ट होता है और इसी के ऊपर आपकी मेट्रो मूव होती है, ठीक है दोस्तों। क्रॉस सेक्शन देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सामने से दिखता है और इसको किस तरीके से दूसरी साइड पर देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। क्रॉस सेक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसकी डिटेल जानने के लिए इस पूरे प्लान को हमें रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ क्रॉस सेक्शन देख के ही समझते हैं कि किस तरीके से ये डबल डेकर ब्रिज होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने यहाँ देख ही लिया है कि किस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है डबल डेकर ब्रिज का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को डबल डेकर ब्रिज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि वो कहाँ पर लगाया जाता है और उसका ड्राइंग जो होती है उसका क्रॉस सेक्शन किस तरीके से देखा जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।